केटीआर साहब ने कल कांग्रेस के बारे में गलत शब्द यूज़ करके बात किया। उन्होंने बोल रहा है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गाडसे के वारस है बोलते। अरे बीजेपी गाडसे के वारस है, उसके साथ मिलजुल कर तुम घूम रहे हर दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाडसे के वारस है, अमित शाह गाडसे के वारस है, उसके साथ कौन घूम रहा है आज? ये बीजेपी चीफ मिनिस्टरों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तुम्हारे पिताजी को अपॉइंटमेंट सबसे पहले मिल जाती, भाग भाग के उसके पास जा रहा है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन में MIM पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारा पिताजी फंडिंग कर रहा है, सबको मालूम है देश में। बार बार सेंट्रल मिनिस्टर को मिलता है तेलंगाना के बारे में, कुछ कोशिश नहीं करता आज तक। 7 साल से जो काम करना चाहिए था वो नाकाम हो गए। और जैसे गाडसे उस दिन गांधी जी को सामने से मारे थे, आज सोनिया गांधी को तुम्हारा पिताजी गाडसे बनकर पीछे से मारा। हम तेलंगाना दिए, आप बोले थे पार्टी को मर्ज करते बोल के, नहीं मर्ज किए। आप बंदर की बात बोल रहे, नेशनल पार्टी को बंदर जैसे लीडर हो गए तुम्हारा। अब तेलंगाना आवाम को पता है कौन बंदर के जैसे दिखता। हमारा प्रेसिडेंट तो हीरो को जैसे दिखता रेवंत रेड्डी, मगर बंदर के जैसे कौन दिखता सबको मालूम है। शाम 6 बजे के बाद आप कहाँ घूमते ये भी सबको पता है, कौन सा फार्म हाउस में रहते, कौन सा होटल में रहते, किसके साथ रहते, किस चीज़ से मिलजुल कर घूमते। इसीलिए गंदी बात करना कंट्रोल करो, नहीं तो कांग्रेस कार्यकर्ता आपको सबक सिखाएगा।